Hey guys, welcome to Academy Guruji. दोस्तों आज से हम जनरल अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट 4 मंथ के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एमसीक्यू की फॉर्म में यहां देखेंगे. ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको बायलिंगुअल प्रोवाइड करवा दूंगा. इट मींस हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा. ठीक है, तो आपको जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी में भी है और जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में भी मिल जाएगा. अराउंड हम 1000 क्वेश्चंस है वो यहाँ देखेंगे. ठीक है, इट मीन्स आपका किसी भी प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो नहीं रहने वाला. हर एक क्वेश्चन है वो यहाँ आपको मिल जाएगा. ठीक है, आज अपना पार्ट नंबर फर्स्ट है तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं. तो गाइस ये अपने पास आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसमें हमारे पास है द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु रिसेंटली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रेस मिसिंग एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन इन इंडिया. द ऐप नेम इज, मतलब सुरेश प्रभु जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जो कि जो मिसिंग बच्चे हैं उनको ट्रेस करने के लिए काम आई. ठीक है, तो उस ऐप का नाम क्या है सबसे पहले था हमें वो बताना. तो इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा रीयूनाइट. रीयूनाइट उस ऐप का नाम है. इस ऐप को एक्चुअली सुरेश प्रभु जी के द्वारा लॉन्च किया गया है बट इसको जो डेवलप किया गया है वो किया गया है बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा. ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन ही एक एनजीओ का नाम है जिन्होंने इसे डेवलप किया गया है. ठीक है, सुरेश प्रभु जी की बात करें तो ये इनके पास वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है. इसके साथ साथ इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, एक और मिनिस्ट्री है, उसका नाम है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री. ठीक है, और आजकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी पूछी जा रही है. तो सुरेश प्रभु जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य है. तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए. एक्चुअली चीज़ों को जितना लिंक करेंगे उतना ही अच्छे से चीज़ें आपको याद होंगी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, रानी रामपाल वॉज रिसेंटली नेम एज द कैप्टन ऑफ इंडियन स्क्वाड फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी प्लेड इन लंदन. सीज, मतलब रानी रामपाल है, उनको एक टीम है, एक स्क्वाड है, उसका मतलब उनको कप्तान बनाया गया है जो कि वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है. कहाँ पे, लंदन में. ठीक है, तो हमें बताना है रानी रामपाल है वो उनका संबंध किस खेल से है. तो रानी रामपाल की जहाँ तक बात है तो इनका संबंध है वो है हॉकी टीम से. ये हॉकी टीम के अपने कैप्टन है इंडिया की. ठीक है, बट इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि जो हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ खेला जा रहा है, लंदन में. ठीक है, तो चीज़ों को इसी प्रकार लिंक करते वही चलती है. चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि हाल ही में 58वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूचंद ने 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, वह कहाँ से. मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम दे दिया जाता है, उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन किससे रिलेटेड है, मतलब वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है. इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किस स्टेट से है. ठीक है, कौन से राज्य से वो बिलोंग करता है, किस स्टेट से. तो वो भी आप याद रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो, सभी को याद नहीं रखना लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें तो याद रखना जरूरी है. तो दूचंद है, इनकी यदि बात करें तो ये जो बिलोंग करते हैं वो करते हैं ओडिशा से. ये उड़ीसा के एथलेटिक हैं जिन्होंने अभी 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ा है. ठीक है, कहाँ पे, 58वें राष्ट्रीय अंतर्राज्य वरिष्ठ एथलेटिक चैंपियनशिप में. ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली राइज इट्स स्टेक इन माइक्रो लेंडर स्वधार फिन सर्विस 200% टू हेल्प एक्सपेंड इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशियली. मतलब कौन सी बैंक है जिसने स्वधार फिन सर्विस में अपनी हिस्सेदारी है वो 100% तक बढ़ा दी है. ठीक है, तो उस बैंक की यदि हम बात करें तो वो बैंक हमारे पास कौन सी है, RBL. RBL बैंक ने स्वधार फिन सर्विस में अपनी हिस्सेदारी क्या की, 100% तक एक्सपेंड कर दी है. 100% तक एक्सपेंड का मतलब है कि मान लीजिए पहले 10 थी तो अब उन्होंने 20 कर दी, 20 है तो उन्होंने 40 कर दी. ठीक है, 100% का यही मतलब होता है इंक्रीज करने का. ओके चलिए अगला देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, द नेवी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज. ठीक है, रिसेंटली, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो ये पैसेज एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में पार्टिसिपेट की गई थी. तो इस क्वेश्चन की यदि आंसर की बात करें तो आंसर तो हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी. ठीक है, तो गाइज आप एक्सरसाइज वो याद रखिए, एक एक्सरसाइज एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है. तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत छोड़िए, स्पेशली जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है उनको तो आपको याद रखना ही है. ओके चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे पब्लिश बाय ग्लोबल पर्सनल कंसल्टेंट मर्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट सिटी इन टू लिव इन फॉर एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट. ओके, एक्सपर्ट्रीटीज. ठीक है,
तो मतलब कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट लिविंग सर्वे है पब्लिश किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की जो कॉस्टलेस सिटी है, सबसे महंगी सिटी है अकॉर्डिंग रहने के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कौन सी सिटी है। तो उस सिटी की यदि हम बात करें तो वो कौन सी सिटी है, हांगकांग। हांगकांग है, इसे वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलेस सिटी कहा गया है। किसके द्वारा? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी रिसेंटली विजिटेड इसराइल एंड अनाउंस ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बिटवीन रिक्स्तान एंड इसराइल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, कुछ लोगों को विजय रूपानी नाम देख के समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन चीज़ें हैं कुछ और भी हैं जो आपको याद रखनी है। इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे यदि मैं बात करूँ, ठीक है, यदि हम बात करें तो विजय रूपानी है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के CM है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुजरात का जो अभी मतलब टाइप हुआ है वो किसके साथ हुआ है, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड में गुजरात का जो टाइप हुआ है वो किस देश के साथ हुआ है, तो वो है इसराइल के साथ में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि गुजरात का जो इसराइल के साथ टाइप हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है, वो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो चीज़ें हैं वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं, आपको हर एक पॉइंट है वो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना स्टैटिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, ठीक है, तो आंसर की यदि बात करें तो आंसर तो हो जाएगा 29 जून, ठीक है। बट इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्व किया क्यों जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रशांत चंद्र, ठीक है, ये अपने प्रोफेसर हुए हैं जिन्होंने स्टैटिक फील्ड में अपना योगदान दिया है, जिसको हम क्या करते हैं उसकी उनकी याद में हम इस डे को है सेलिब्रेट करते हैं एज ए सांख्यिकी दिवस, ओके। इसके अलावा इस बार 2018 की यदि मैं थीम की बात करूँ तो इसकी थीम हो गई है, इस बार 2018 की थीम थी क्वालिटी अश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिक, ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिक। यदि आप कहें तो मैं लिख देता हूँ आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस इन ऑफिशियल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो ये इस बार 2018 की थीम थी। थीम मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली याद रखिए, बिल्कुल भी मत भूलना, हर एक एक दिन की थीम है वो अच्छे से याद कर लो। थीम हमेशा एक हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी IRDAI गिव नोट टू LIC टू बाई स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली। मतलब LIC को अभी किस पब्लिक सेक्टर बैंक में अपनी मतलब उसने जो शेयर खरीदने हैं उसके लिए LIC ने जो शेयर खरीदने के लिए कहा है उसके लिए हाँ बोला है IRDAI ने, तो वो कौन सी बैंक है जिसके शेयर है LIC खरीदने जा रही है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो। उस बैंक की यदि हम बात करें तो वो बैंक है IDBI बैंक। LIC एक्चुअली अभी IDBI बैंक है उसमें शेयर खरीद रही है, वो कितने, 51%, ये भी आप याद रखिए, LIC 51% शेयर खरीदने जा रही है किसके, IDBI बैंक के, ओके। चलिए नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द विक्टोरियन एंड आर्च डेको असेंबल्स सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज इंस्क्राइब एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिनकी जो भी आ जाते हैं, ठीक है, जिनका भी नाम शामिल कर लिया जाता है, वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है वो SBI के मेंस में आया था, ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी भी फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से ये एग्जाम में आपको देखने को, ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में यूनेस्को के और किसी में जैसे ऐसे नाम में आते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं एक बार, तो ऐसे पॉइंट्स को आप याद रखें। तो इन दोनों की बात करें, ये दोनों लोकेशन जो हैं, ये लोकेशन कहाँ है, तो ये है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनाइटेड अरब अमीरात UAE हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स अ कंसल्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। मतलब जो UAE है वो अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने जा रहा है, वो कौन से शहर में, ठीक है, किस जगह पर करने जा रहा है, तो ये होने वाला है हैदराबाद में। हैदराबाद में अपना सबसे पहले इंडिया में UAE है वो वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि 31 मार्च 2018, ठीक है, से 2 महीने के वृद्धिशील विकास के आधार पर NITI मतलब नीति आयोग द्वारा 108 महत्वाकांक्षी जिलों का पहला स्थान किसको मिला। मतलब हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट अजीब सा है, बिकॉज गाइज मैं अकेले ही काम करता हूँ, मेरे पास कोई टीम वर्क तो है नहीं, और थोड़ा सा टाइम है उसकी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने इनको गूगल से ट्रांसलेट किया,
तो हो सकता है कई बार थोड़ा बहुत अजीब आपको ऊपर नीचे आगे पीछे अक्षर मिल जाए वर्ड वगैरह, तो आप इंग्लिश है उसको कंसिडर कर लीजिएगा वहाँ पर, ओके। बाकी इंग्लिश वाला है वो एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर 108 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है, जिनमें टॉप जो डिस्ट्रिक्ट रही है वो रही है दाहोद। दाहोद गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है जिसको टॉप रैंक मिली है, रैंक नंबर 1, ठीक है। इसे डेल्टा रैंकिंग भी नाम से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो आप डेल्टा रैंकिंग नाम है वो भी साथ में रख लीजिएगा याद, डेल्टा रैंकिंग की बात भी कहें या फिर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, ठीक है। कितनी, 108 में से दाहोद है वो नंबर 1। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। द इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर रिक्सन कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड जो हैं वो अभी जारी किए गए, इनके बारे में ये वैसे भी काफ़ी हॉट टॉपिक है फिलहाल का, और अभी चुनाव भी आ रहे हैं तो इसलिए भी ये हॉट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए, इसके बारे में जितने भी डेटा है वो आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इस पे बात आते हैं कि जब भी आप चुनाव बॉन्ड जब खरीदते हैं तो खरीदने के बाद में कितने दिनों तक वो एक्चुअली वैलिड रहते हैं, उन डेज के बारे में बात है। तो जो चुनावी बॉन्ड है वो वैलिड कितने दिन रहेंगे, वो रहेंगे 15 डेज तक। 15 दिनों तक ये वैलिड रहते हैं, उसके बाद में ये इनवैलिड हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ IDBI बैंक एज MD एंड CEO फॉर 3 मंथ एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक फुल चार्ज इन ऑफ द बैंक सून। मतलब कुल मिला के बात कहें तो IDBI बैंक के अभी MD और CEO किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया है बी श्री राम को, ठीक है। मिस्टर बी श्री राम है, उन्हें अभी IDBI बैंक के MD एंड CEO बना दिया गया है। ये पहले SBI बैंक के अंदर MD थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द फॉर्मर IAS ऑफिसर GC चतुर्वेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। मतलब किस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है, GC चतुर्वेदी को। तो इन्हें नियुक्त किया गया है ICICI बैंक के, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, जिनको भी जो भी नए अपॉइंटमेंट्स आते हैं वो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए गाइज मेरी स्पीड थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप मुझे बता देना, हम थोड़ी सी स्पीड कम भी कर लेंगे। बट एक्चुअली स्पीड ज़्यादा रखने का रीज़न यही है कि क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। अराउंड 1000 क्वेश्चन है वो यहाँ हम करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और किसी प्रकार का फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 30 मेंबर कमिटी टू अपग्रेड द नॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इकोनॉमी डाटा एज स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। द कमिटी इज हेडेड बाय, मतलब गवर्नमेंट ने एक 13 लोगों की कमेटी बनाई है जो कि क्या है, मतलब आर्थिक आंकड़ों की गणना करेगी, किस पे मतलब जिला स्तर और राज्य स्तरीय जो है आर्थिक आंकड़े हैं उनकी गणना के मापदंडों को अपग्रेड करेगी, ठीक है। ये 13 सदस्यों की एक मीटिंग है, सॉरी समिति है। इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो अध्यक्षता की गई है रविंद्र एच ढोलकिया के द्वारा, ठीक है। रविंद्र एच ढोलकिया ने इसकी अध्यक्षता की है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि रविंद्र एच ढोलकिया कमेटी है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द पैन आधार लिंकिंग टिल। मतलब पैन कार्ड को आपको, आधार कार्ड है, इन दोनों को आपस में लिंक करना है, उसकी एक डेडलाइन आपको गिवन थी जिसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। वो एक्सटेंड करके समय कितना रखा गया है, कब तक उसको एक्सटेंड किया गया है वो हमें बताना है। तो इसे एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2020 तक के इस टाइम पीरियड तक आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड इन दोनों को लिंक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम क्लेम्स द कबड्डी मास्टर टाइटल डिफीटिंग ईरान 44-26 इन समिट क्लास इन दुबई रिसेंटली। मतलब जो दुबई के अंदर जो अभी टूर्नामेंट हुआ था कबड्डी मास्टर का, उसके अंदर ईरान को किसने मतलब हराया था, ठीक है। तो हरा के किसने जीता था, वो जीता था इंडिया ने। मतलब इंडिया ने क्या किया था, ईरान को हराया था लास्ट में 44-26 से हराया था। इसके अलावा आप याद रखिए ये कबड्डी मास्टर जो हुआ था ये कहाँ होता है, दुबई, ठीक है। दुबई कबड्डी मास्टर के अंदर इंडिया ने ईरान को हरा के जीता था इंडिया ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नुमालीगढ़ रिफाइनिंग लिमिटेड NRL हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU टू अडॉप्ट एन ऑनलाइन लीगल कॉम्प्लायंस सिस्टम लिगेट्रिक्स NRL इज सिचुएटेड इन। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अभी
सॉरी अभी जो SBI के एग्जाम में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो किस जगह स्थित है, ठीक है, एज ए इसको स्टैटिक के फॉर्म में लेके पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन है उसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है ये पूछा जाए नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस जगह पे है डायरेक्ट, या ये पूछ लिया जाए कि कौन सी रिफाइनरी है जिसने सबसे पहले लिगेट्रिक्स को अपनाया है ऑनलाइन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के रखा जा सकता है, आपको हर एक पॉइंट है उसको याद रखना है। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो स्थित है आसाम के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड्रे म्यूल्स लोपेज ऑब्रेडोर वॉन द रिसेंटली प्रेजिडेंशियल पोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, मतलब कौन से देश की जो प्रेजिडेंट है वो बने हैं कुल मिला के ये समझा जाए, मतलब राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है, तो ये कौन से देश के अभी राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं मेक्सिको के, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि माउंट फुजीशान हैज बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द माउंटेन इज सिचुएटेड इन, देखिए मैंने अभी कहा था आपको कि यूनेस्को के अंदर किसी चीज़ को शामिल किया जा रहा है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की वो पॉइंट यदि वो साइट है तो वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो डेफिनेटली पूछी जाने वाली है एग्जाम में, बट इंडिया के अलावा भी जो कुछ है तो वो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के रखिए। तो इस क्वेश्चन की यदि बात करें, ये जो माउंटेन रेंज है जो अभी जो यूनेस्को में शामिल किया गया है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है चाइना के अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस ऑफ नंबर 45 स्क्वाड्रन रिसेंटली फॉर्मली कमांडेड ऑपरेशन फ्रॉम द एयरफोर्स स्टेशन एट सोलर सिचुएटेड इन, मतलब जो एयरक्राफ्ट है तेजस है इसे स्क्वाड के अंदर, इसकी जो स्क्वाड है वो शामिल की गई है एयरफोर्स के अंदर, ठीक है, तो वो किस जगह, उस लोकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी जगह, वो बेस कहाँ है जिसे इसे शामिल किया गया है इसकी स्क्वाड को, ठीक है, तो वो शामिल किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर है जहाँ तेजस एयरक्राफ्ट जो इंडिजेनियस एयरक्राफ्ट है पूर्णतः स्वदेशी अपना विमान है, ठीक है, तो इसे शामिल किया गया, इसकी पूरी एक स्क्वाड है उसको शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन टर्म ऑफ मनी पार्क बाय इट्स सिटीजन एंड कंपनीज विद स्विस बैंक इन 2017, मतलब 2017 के अंदर जो स्विस बैंक के अंदर इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनीज का जो पैसा है उसके आधार पर इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की यदि रैंक की बात करें स्विस बैंक में पैसे के नाम पर तो वो है 73, ठीक है, रैंक को आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है, रैंक इंडिया की कौन सी है, इसके अलावा उस रैंक के अंदर टॉप कौन है, दो चीज़ ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो स्विस बैंक है उसमें इंडिया की रैंक आ जाती है 73 और टॉप की यदि बात करें तो वो है UK, यूनाइटेड किंगडम है वो टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट खादी मॉल ऑफ कंट्री विल बी ओपन्ड इन कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज अनाउंस्ड बाय CM रघुवर दास रिसेंटली। देखिए CM का नाम याद देखते ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा नाम यहाँ देने का पर्पस यही था कि आप साथ साथ में ये नाम भी याद रखें, बिकॉज स्टेटिक के अंदर चीज़ें हैं वो CM हो गया, इनके गवर्नर हो गया, ये चीज़ें आपको याद करनी है हर एक स्टेट की, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप साथ साथ याद करते हुए चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास झारखंड। झारखंड के अंदर इंडिया का फर्स्ट खादी मॉल है वो ओपन होने जा रहा है और झारखंड के जो CM है उनका नाम है रघुवर दास, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विजय श्रीनिवासन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर ऑफ यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस विच इज हेडक्वार्टर्ड इन, ठीक है, मतलब जो श्रीनिवासन विजय श्रीनिवासन है इनको अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल मैनेजर बनाया गया है, किसका, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस का। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस है उनके अभी जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो उनका नाम क्या है, वो है विजय श्रीनिवासन, या फिर ये पूछा जा सकता है कि विजय श्रीनिवासन है उन्हें हाल ही में किस बैंक का डायरेक्टर जनरल है वो नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस। इसके अलावा यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस की यदि हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, चेन्नई के अंदर, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एशिया ट्रेड मिनिस्टर रीच्ड क्लोजर इन जापान टुवर्ड क्रिएटिंग व्हाट कुड बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक विच इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब एशियन ट्रेड जो मिनिस्टर्स हैं वो जापान में मिले हैं, ठीक है, और उन्होंने एक जो मतलब बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक जो क्रिएट किया है उस ब्लॉक का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो क्रिएट करने के लिए ये जो मतलब मिनिस्टर्स जो थे एशिया के
वो जापान में इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, RCEP, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप साथ में याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेकर हैज़ लॉन्च इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट 1 बिलियन यूरो बाई 2021 इन इंडिया। ओके, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसके आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा अपने पास से फॉक्सवैगन, ठीक है। फॉक्सवैगन है, उसने इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। तो एक तो इसके प्रोजेक्ट के नाम की यदि हम बात करें तो वो आपको याद रखना है, उसका नाम क्या हो जाएगा, इंडिया 2.0, ये आपको याद रखना है। इसकी डेडलाइन की यदि बात करें तो ये है 2021 तक। अमाउंट की यदि बात करें तो वो है 1 बिलियन यूरो, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द सुनील मेहता कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली, द कमिटी इज रिलेटेड टू, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, एक कमेटी का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और स्पेशली एक कमेटी जो होती है वो वही कमेटी होती है वो जो रिसेंटली या तो फॉर्म की है, ठीक है, या तो उनको रिसेंटली बनाया है, या फिर इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो ऐसी कमेटी जो हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट की है, ठीक है। दो में से एक काम हो सकते हैं, तो ऐसी कमेटी को आप डेफिनेटली याद रखिए, जिन कमेटी को अभी हाल में बनाया गया है या फिर उन कमेटी ने अभी ही रिपोर्टें सबमिट की है। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके आंसर की यदि हम बात करें सबसे पहले तो वो आंसर हो जाएगा बैड बैंक प्लान, ठीक है। तो जो बैंक के जो ARC के लिए स्पेशली कमेटी बनी है, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में, जो मतलब बैड लोन्स जो हैं बैंक के, उनके जो बारे में रिपोर्ट देने के लिए, उनको जो सॉल्यूशन है उनके लिए ये रिपोर्ट बनी है। तो ये आप याद रखिए, एक सेकंड गाइस। ओके, तो गाइस इसके अलावा सुनील मेहता की यदि हम बात करें तो सुनील मेहता है, इन्हें हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनके चेयरमैन भी इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। ये PNB बैंक है, उसके MD एंड CEO भी सुनील मेहता हैं। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वुमन टाइटल ऑफ 2018 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली। मतलब मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें जो वुमन टाइटल था वो किसने जीता, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ताइटोन्स यंग, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इन्होंने जो ये टाइटल जीता था, और इन्होंने जो सेमीफाइनल था इसमें इन्होंने PV सिंधु है इसे हराया था, ठीक है। हमारे PV सिंधु है, इनको इन्होंने सेमीफाइनल में हराया था, उसके बाद में इन्होंने फाइनल भी जीत लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग अलोंग द ऑस्ट्रेलियन लेगर्स रिकी पोंटिंग वर इंडक्टेड इनटू द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम रिसेंटली, ही इज़ द 5th इंडियन टू बी नेम्ड इन ICC हॉल ऑफ फेम। मतलब इंडिया के, मतलब अभी ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर रिकी पोंटिंग के साथ में और इंडियन है उन्हें शामिल किया गया है, और वो इंडियन है, इंडिया के कौन से 5th इंडियन हैं, ठीक है। तो उनका नाम की यदि बात करें तो वो नाम क्या हो जाएगा, राहुल द्रविड़, मिस्टर राहुल द्रविड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल किया गया है। ये इंडिया के बात करें तो इंडिया के 5वें इंडियन हैं जिन्हें ये मतलब शामिल किया गया है, और इनके साथ साथ रिकी पोंटिंग जो ऑस्ट्रेलियन हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मून जे इन विल विजिट इंडिया फ्रॉम जुलाई 8 to 11, ही इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मून जे इन की यदि बात करें तो वो कौन से देश के प्रेजिडेंट हैं, वो हैं साउथ कोरिया के, जिन्होंने अभी इंडिया में हाल ही में जुलाई में विजिट की थी, और इन्होंने विजिट के दौरान नोएडा में सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री जो फैक्ट्री जो है बनाई थी, ठीक है, जो उसका उद्घाटन किया था इन्होंने और मिस्टर मोदी ने, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ था, नोएडा में होता, और वो सैमसंग की थी। तो ये चीज़ भी आप साथ में याद रखिए। फिर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ स्टॉप्ड इन टर्म ऑफ मनी पार्क बाई इट्स सिटीजन एंड कंपनीज विथ स्विस बैंक इन 2018। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्विस बैंक के अंदर जो कंपनीज हैं और जो नागरिक हैं उनका जो पैसा है उसके आधार पर जो देश जो टॉप है वो देश कौन सा है, UK, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, इंडिया लॉस्ट 1/3 टू विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इन शूट आउट इन समिट क्लास ऑफ कैंपियन ट्रॉफी हॉकी इन ब्रेडा द नीदरलैंड रिसेंटली, ठीक है। तो नीदरलैंड के ब्रेडा में जो अभी टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का, उसके अंदर जो इंडिया हारी थी वो किससे हारी थी, तो वो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, ये हुआ कहाँ था, नीदरलैंड के अंदर ब्रेडा के अंदर, जो ये पूरी टॉप मतलब जो टूर्नामेंट पूरा हॉकी का हुआ था, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2018 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुषों का खिताब जीता है। अभी हमने महिला बैडमिंटन की बात की और अब बात कर रहे हैं पुरुषों की, ठीक है। तो पुरुष बैडमिंटन के अंदर जिन्होंने जीता है वो कौन है, ली चोंग वी, ठीक है। ली चोंग वी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो जीत ली है। ये टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली बैडमिंटन टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, तो इनको याद रखा करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द भितरकनिका नेशनल पार्क हैज बिकम द वर्ल्ड द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द इनडेंजरस एस्टुरेन क्रोकोडाइल इन द कंट्री, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन, मतलब भितरकनिका, कुल मिला के बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो एक नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। पहले नेशनल पार्क ज़्यादा पूछे जा रहे थे, बट अभी नेशनल पार्क कम पूछे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भितरकनिका की यदि बात करें तो वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है ओडिशा के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी SBI PO मेंस के अंदर आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI इज सेट टू बी नेम्ड एज स्पोर्ट्स इंडिया, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है, स्पोर्ट्स इंडिया। द SAI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो साथ में ये याद रखनी है कि इसका नया नाम क्या है, वो नया नाम क्या हो जाएगा इसका, स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, उसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है, ये आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो गाइज इतने क्वेश्चन थे आज का, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसका मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। इसके अलावा हमारा ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए, ठीक है। और इसमें किसी तरीके आपको सुधार चाहिए या किसी तरीके आप चेंजेस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइज। ओके, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक ले बाय, थैंक यू।